Friends, good morning and welcome to Bind EduTech. Today we are going to discuss the first poem from Flamingo, My Mother at 66, written by Kamala Das, who was born in 1934 and died in 2009. Kamala Das was recognized as one of the foremost poetess of India. She was born in Malabar, Kerala, and her mother tongue was Malayalam. In the poem, My Mother at 66, Kamala Das has highlighted on the theme of filial relation. The main theme of the poem is filial relation or human relationship. Filial relation. The main theme of the poem is filial relation. Kamala Das, My Mother at 66 mein filial relation और ह्यूमन रिलेशनशिप का वर्णन की हैं. द पोएटेस सेज दैट एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. बिफोर यू रीड, हम लोगों से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एराइज की हैं कि क्या कभी आप सोचते हैं कि हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, हमसे वो क्या उम्मीद करते हैं और हम उनके उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं. कमला दास इस पोएम में उस चीज़ को बखूबी हाईलाइट की हैं कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, सो वी शुड लव एंड रेस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ आवर old age parents and we should not hurt their feelings. सबसे पहले इस poem के central idea को हम लोग देखें. Central idea, जो केंद्रीय भाव है poem का, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा about the poetess Kamala Das के बारे में. तो Kamala Das अगर पूछा जाए कि किस स्टेट से बिलोंग करती थी, तो केरला. उनका जन्म 1934, डेथ 2009 में. उनकी पद्मावती, द हार्लोट्स एंड अदर स्टोरीज बहुत ही चर्चित बुक रही थी, जिसमें वो सेंट्रल कैरेक्टर बनाई थी पद्मावती को, जो कि एक हार्लोट थी. सी इज ए सेंसिटिव राइटर, बहुत ही संवेदनशील जो है वो लेखिका थी. और माधवी कुट्टी पेन नेम से वो इंग्लिश और मलयालम में बहुत सारी रचनाएं की हैं. माधवी कुट्टी वाज द पेन नेम ऑफ कमला दास का, ये पेन नेम था जिस नाम से वो लिखती थी. अब यहाँ पर हम लोग इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को देखें तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. द मेन थीम ऑफ द पोएम इज फिलियल रिलेशन और ह्यूमन रिलेशनशिप. उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. इस पोएम का जो मेन थीम है वो फिलियल रिलेशन है. वंस द पोएटेस वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. एक बार कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही थी. प्रोबेबली सी वाज गोइंग अब्रॉड फॉर फ्यू डेज. संभवतः वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए विदेश जा रही थी. हर ओल्ड एज मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर. उनकी वृद्ध माँ उनके बगल में बैठी हुई थी. और सी
डोज ओपन माउथ हर फेस एसेन लाइक सी लुक्स दैट ऑफ हे कॉर्प्स वन पेल एंड एज ए लेट विंटर्स मून। कवित्री की माँ उनके बगल में बैठी हुई थी, मुंह खोलकर झपकी ले रही थी, चेहरा राख के रंग की तरह विवर्ण हो गई थी, बिल्कुल वो डेड बॉडी की तरह लग रही थी, ब्लडलेस लग रही थी, उदास एंड एज ए लेट विंटर्स मून, जाड़े के उत्तरार्ध की चंद्रमा की तरह। कवित्री को बचपन से ही डर था, तो व्हाई द पोएटेस वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट टू कैच हर फ्लाइट, प्रोबेबली सी वाज गोइंग अब्रॉड, द पोएटेस मदर वाज गोइंग विथ हर टू सी ऑफ हर। फिन द पोएटेस नोटिस द माइजरेबल हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर, सी बिकेम एक्सट्रीमली सैड। ज्यों ही कवित्री अपने माँ के माइजरेबल हेल्थ कंडीशन को देखती, वो बहुत ही उदास हो जाती। द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर और सेपरेशन फ्रॉम हर ओल्ड एज मदर, द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर ओल्ड एज मदर वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस, चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस। अपने माँ को खोने का या माँ से बिछड़ने का जो डर था, वो कवित्री का बचपन का डर था। जब वो कुछ समय के लिए विदेश जा रही थी बाहर, उनकी माँ बगल में बैठी हुई थी और उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही माइजरेबल थी, तो बार बार ये फीलिंग्स कवित्री को हाउंट पीछा करने लगती है कि हर मदर वुड नॉट लीव लॉन्ग, कि अब उनकी माँ अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। द थॉट दैट हर मदर वुड नॉट लीव लॉन्ग हैड मेड द पोएटेस रेस्टलेस। इस विचार ने कवित्री को, कौन सा विचार, कि हर मदर वुड नॉट लीव लॉन्ग हैड मेड द पोएटेस रेस्टलेस, इस विचार ने कवित्री को बेचैन कर दिया। सो टू चेंज हर माइंड, चेंज हर मूड, सी वॉन्टेड टू पुट दैट थॉट अवे एंड सी लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार, फेयर सी नोटिस्ड दैट यंग ट्रीज वर स्प्राइंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रेन वर स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। अब यहाँ पर कवित्री को जब बार बार ये फीलिंग हाउंट करने लगती है कि उनकी माँ अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी, और जब ये थाउट उनको रेस्टलेस बेचैन कर देता है, तो कवित्री अपने माइंड को वहाँ से डेविएट करने के लिए कार की खिड़की के बाहर देखती। अब जब बाहर देखी तो उन्होंने दो चीज़ों को नोटिस किया। पहला, यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, दो चीज़ों को, फर्स्ट ऑफ ऑल यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग बिहाइंड, और सेकंड में देखती है मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। ये दो चीजों को कवित्री नोटिस करती। अब यहां पर देखिए, व्हाई द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड अ स्प्रिंटिंग, तो जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग क्या जानते हैं कि व्हेन वी ट्रेवल बाय ए बस, कार, ट्रेन और एनी व्हीकल्स, द ऑब्जेक्ट्स सीम रनिंग बिहाइंड अस ड्यू टू लॉ ऑफ मोशन। साधारण कंडीशन में जब कभी भी हम लोग बस, कार, ट्रेन या
किसी भी वाहन से यात्रा करते हैं तो वस्तुएं पीछे की ओर भागती हुई प्रतीत होती, रियली में वो भागती नहीं, हम लोगों को ऐसा इल्यूजन होता है। ड्यू टू लॉ ऑफ मोशन हम लोग मोशन में रहते, ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पोएटिस को न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं था। इसको अपने वो इमेज में लाती है कि टाइम हैज पास्ट वेरी फास्ट, कि समय कितना तेजी से बीत चुका था और उनकी माँ हर चीज़ों को खोकर और मौत के कगार पर पहुँच चुकी थी। तो यहाँ पर व्हाई द यंग ट्रीज डिस्क्राइब अ स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगर वन मार्क्स में होगा तो डायरेक्ट टू हाईलाइट दैट टाइम हैज पास्ट वेरी फास्ट। दूसरे क्या देखती है, सेकंड नोटिस क्या कि मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, प्रसन्नचित मुद्रा में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे। दो चीज़ों को वो नोटिस करती है। अब यहाँ पर देखिए मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स वर द सिंबल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी व्हाइल हर मदर हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट। तो द पोएटेस हैज ब्राउट आउट द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन यंग energetic children and her old age mother which enhanced her pain। कवित्री जो है यहाँ पर ये जो expression लाई हैं मेरी children spiraling out of their homes, इसको image में लाती हैं compare और contrast करने के लिए किन किन चीज़ों के बीच। एक तरफ वो जुआ और ऊर्जावान बच्चे थे जिनके अंदर जिंदगी और ऊर्जा का संचार हो रहा था, जबकि दूसरी ओर उनकी वृद्ध माँ थी जो ऑलरेडी मौत के कगार पर पहुँच चुकी थी। तो ये नेचर का रूल है कि जब भी हम दो बेमेल चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो हमारे दर्द हमेशा बढ़ जाते हैं। कवित्री के भी दर्द वहाँ पर बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि पूरे आपके जो है वो स्टेट के बच्चे अगर का रिजल्ट खराब हो जाए तो किसी को गम नहीं होता है, लेकिन अगर आपका पड़ोसी टॉप कर जाए और आपका रिजल्ट खराब हो जाए तो फेल होने का गम हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। आप सिंपल देख सकते हैं कि किस तरह से एक्ट करता है कि अगर किसी के यहाँ मातम मन रही हो और बगल में सहनाई बज रही हो तो सहनाई लोगों को चुभने लगती। इसलिए यहाँ पर जब पोएटेस देखती है कि एक तरफ वो जुआ ऊर्जावान बच्चे थे जहाँ पर जिंदगी और ऊर्जा के संचार हो रहे थे, जबकि दूसरी ओर उनकी वृद्ध माँ थी जहाँ पर जो है वो मौत के बिल्कुल कगार पर पहुँची हुई थी, और जब ये दोनों के बीचों कंपैरिजन करती है तो उनके दर्द और भी बढ़ जाते हैं। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप के बाद कवित्री कुछ दूरी पर खड़ी थी, वो बैरिकेड के अंदर थी, उनकी माँ बाहर, और कवित्री फिर से एक बार अपने माँ के तरफ देखती जो कि वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जो कि बिल्कुल कलरलेस ब्लडलेस लग रही थी जाड़े के उत्तरार्ध की चंद्रमा की तरह। एज ए लेट विंटर्स मून, एज ए लेट विंटर्स मून। अब यहां पर देखिए एज ए लेट विंटर्स मून में पोएटेस पोएटिक डिवाइस जो है लिटरेरी डिवाइस सिमली का यहाँ पर प्रयोग की। हर द एट कोचिन एयरपोर्ट द पोएटेस लुक्ड अगेन एट हर मदर हु वाज लुकिंग एज लस्चरलेस
एज लेट विंटर्स मून, जो जाड़े के उत्तरार्ध की चंद्रमा की तरह लग रही थी। अब यहां पर देखिए पोएटेस के मां के चेहरे का, तो सबसे पहले तो यहां पर एज से शुरू हुआ, कौन सा पोएटिक डिवाइस आया, सिमली, सिमली का प्रयोग हुआ है। और कवित्री कंपैरिजन करती है अपने मां के चेहरे का लेट विंटर्स मून से, तो ड्यूरिंग द लेट विंटर सीजन द मून सीम्स डल और डीम ड्यू टू फॉग और मिस्ट, जाड़े के उत्तरार्ध में चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है, धूमिल हो जाती है फॉग और मिस्ट के कारण, जब धुंध या कुहासा गिरने लगता है। ठीक उसी प्रकार से द फेस ऑफ द पोएटेस मदर वाज लुकिंग लस्चरलेस ड्यू टू हर ओल्ड एज एंड इलनेस, ठीक उसी प्रकार से कवित्री के माँ का चेहरा चमकहीन लग रही थी उनके वृद्धावस्था और बीमारी के कारण। दैट इज वाई पोएटेस मदर्स इज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। कवित्री का जो बचपन का डर था, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर और द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, बट एट कोचिन एयरपोर्ट द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द पोएटेस वॉज दैट सी वुडंट बी एबल टू सी हर मदर व्हेन सी वुड रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड। लेकिन कोचिन एयरपोर्ट पर कवित्री का सबसे बड़ा डर हो जाता है कि जब वो विदेश से लौट कर आएगी तो शायद इस बार अपनी माँ से मिल नहीं पाएगी। बट सी हीड हाइड हर फियर इन हर सेल्फ, लेकिन उस डर को कवित्री अपने ही अंदर छुपा लेती है। सी हाइड्स हर फियर इन हर सेल्फ, वाई, बिकॉज सी डिडंट वॉन्ट टू वरी हर ओल्ड एज मदर, क्योंकि वो अपनी वृद्ध माँ को और परेशान करना नहीं चाहती थी। अगर सपोज कीजिए कि कवित्री को बार बार मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जब वो लौट कर आएगी तो शायद इस बार अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी, तो अगर वो माँ से लिपट करके और रोने लगती कि अम्मा मुझे लग रहा है कि मैं लौटूंगी तो आपसे नहीं मिल पाऊंगी, तो उनकी माँ इतनी इमोशनल हो जाती ना कि एयरपोर्ट से जाते जाते घर कहानी ख़त्म हो सकती थी। देखिए जो इमोशन का जो टाइड होता है, भावनाओं की ज्वार, उसको रोक पाना संभव नहीं हो पाता। और अगर उस भावनाओं की ज्वार में अगर एक बहा तो दूसरा गारंटी है कि उसके साथ वो बह जाएगा। इसलिए कवित्री और उनकी माँ, यहाँ पर देखिए जो कंडीशन थे दोनों, कवित्री की ये जो पोएम में जो ऑर्थोडॉक्स यूज हुआ है, विरोधाभास, मानवीय संबंधों की जटिलता, सूक्ष्मता और विरोधाभास, द पोएम हाइलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज सबटेलिटीज एंड ऑर्थोडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। हमारे जिंदगी में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम अंदर से रोना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां सरकमस्टांसेस हमको कंपेल करती है चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, और जब हम हंसना चाहते हैं तो बहुत बार ऐसे कंडीशन आते हैं कि जब हमको जबरदस्ती में रोनी सूरत बनानी पड़ती। ए मानवीय जीवन के ए ऑर्थोडॉक्स हैं, विरोधाभास। तो यहाँ पर दोनों के कंडीशन देखिए, कवित्री रियली में चाहती थी कि जब उनकी माँ बीमार है तो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बाय हर्ट जो है वो कवित्री जो है वो और उनकी माँ दोनों की जो कंडीशन थी वो हर्ट से भी पोएटेस जो है बाय हर्ट अपने माँ के करीब रहना चाहती थी।
लेकिन सरकमस्टांसेस उनको यहाँ से दूर कर रही थी। सिमिलर कंडीशन उनकी माँ की थी, वो भी सोच रही थी कि अगर इस उम्र में बेटी पास होती तो कितना बेहतर होता, लेकिन फिर वो सोच रही कि अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने बेटी के कैरियर को क्यों बर्बाद करूं। तो दोनों एक दूसरे के बाय हर्ट करीब आना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही थी। तो ये किस तरह से हमारे जीवन में ऑर्थोडॉक्स आते हैं, विरोधाभास, हमारे संबंधों में कितनी जटिलताएं। तो कोचीन एयरपोर्ट पर कवित्री का सबसे बड़ा डर हो गया था कि सी वुड नॉट बी एबल टू सी हर मदर व्हेन सी वुड रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, बट सी हिड हर फियर इन हर सेल्फ बिकॉज सी डिडंट वॉन्ट टू वरी हर ओल्ड एज मदर। वो अपनी वृद्ध माँ को और परेशान करना नहीं चाहती थी। उस डर को छुपाने के लिए अपनी माँ को कंसोल करती है, सी यू शून अम्मा, सी यू शून अम्मा। दैट वर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एट कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट पर एक कवित्री के विदा होते समय के शब्द थे, सी यू शून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगी। एंड सी ओर अ स्माइल ऑन हर फेस, और अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट लाती, बट हर पार्टिंग वर्ड्स एंड अ स्माइल बोथ वर फेक और आर्टिफिशियल। लेकिन कवित्री के विदा होते समय के शब्द और उनकी मुस्कुराहट, ये दोनों के दोनों नकली थे। व्हाई? बिकॉज इनवार्डली सी वाज अफ्रेड, अंदर से वो डरी हुई थी। क्या डर थी? सी वुड नॉट बी एबल टू सी हर मदर व्हेन सी वुड रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, कि जब वो विदेश से लौट कर आएगी तो शायद इस बार अपनी माँ से मिल नहीं पाएगी। लेकिन सी डिडंट वॉन्ट टू वरी हर ओल्ड एज मदर, अपनी वृद्ध माँ को और परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए उस डर को अपने ही अंदर छुपा लेती। तो देखिए, अगर हम अंदर से रोना चाहें और लाख जो है हम हंसने की कोशिश करें, तो हंसी कभी भी असली नहीं हो सकती। जब भी होगी तो आर्टिफिशियल ही होगी। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई किडनैप कर लिया, दो तरफ से इस तरह से लगा दिया है AK-47 और एक सिक्सर ऐसे मुंह में डालकर, और बोले कि हंसो हंसो नहीं तो उड़ा देंगे, तो आप हंसिएगा, लेकिन वो हंसी कभी भी असली नहीं हो सकती। तो पोएटेस के जो विदा होते समय के शब्द थे, पार्टिंग वर्ड्स एंड हर स्माइल बोथ वर फेक और आर्टिफिशियल बिकॉज इनवार्डली सी वाज अफ्रेड, और अ स्माइल एंड अ स्माइल एंड अ स्माइल, इसी पर वो पोएम को एंड करती है। वो मुस्कुरा रही थी लेकिन अंदर से वो रो रही थी। और इस पोएम की एक खासियत है कि पूरे भी पोएम में कहीं पर फुल स्टॉप नहीं आई, कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है। एक कवित्री की जो फीलिंग्स थे वो अधूरे रह जाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले अबाउट द पोएट, मेन थीम, सेंट्रल आइडिया और मैसेज को देखा। मैसेज क्या है पोएम का? कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, सो वी शुड लव एंड रेस्पेक्ट द इमोशन ऑफ आवर ओल्ड एज पेरेंट्स। अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करेंगे, और जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या 2 मार्क्स में पोएट्री सेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन होते भी नहीं, जितने भी तरह के क्वेश्चन एराइज होंगे, हम लोग एक एक करके हर क्वेश्चन को वो देखते चलेंगे। तो सबसे पहले जहाँ से पोएम स्टार्ट जो है वो हो रही है, पोएटेस बोल रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। अब देखिए, यहाँ पर
पिछले शुक्रवार की सुबह थी। कवित्री अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एसेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। कवित्री देखती है कि उनके माँ उनके बगल में बैठी हुई है, मुंह खोलकर झपकी ले रही थी, चेहरा एसेन लाइक राख के रंग की तरह, दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड सी रियलाइज्ड विथ पेन, और उस दर्द को महसूस करती। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कि फेयर द पोएटेस वाज गोइंग एंड व्हाई। कवित्री कहाँ जा रही थी और क्यों? तो द पोएटेस वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट टू कैच हर फ्लाइट। हु वाज गोइंग विथ हर एंड व्हाई? तो द पोएटेस ओल्ड एज मदर वाज गोइंग विथ हर टू सी ऑफ हर। व्हाट वाज द डे? तो ऑन फ्राइडे। व्हाट वाज द टाइम? मॉर्निंग। फेयर द पोएटेस वाज गोइंग कोचीन एयरपोर्ट। व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस? तो द पोएटेस नोटिस द दैट हर ओल्ड एज मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर एंड हर हेल्थ कंडीशन वाज वेरी माइजरेबल। व्हाट वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द पोएटेस? तो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। द फेलिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द पोएटेस। एंड व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस? तो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर और द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस। रियलाइज दैट पेन सी लुक्ड एज सी वाज बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब यहां पर जो वर्ड आया बट सून पुट दैट थॉट अवे। पुट अवे मीन्स रिमूव, हटाना। अब यहां पर देखिए जो एक्सप्रेशन है इससे कितने सारे क्वेश्चन एराइज होंगे कि विच थॉट द पोएटेस, विच थॉट द पोएटेस वांटेड टू पुट अवे एंड व्हाई। किस विचार को कवित्री मन से बाहर निकालना चाहती थी और क्यों? What she did to put that thought away? उस विचार को मन से बाहर निकालने के लिए क्या की? तो पहले देखिए which thought the poetess wanted to put away? तो the thought that her mother would not live long. The poetess wanted to put away the thought that her mother would not live long because that thought had made her restless. So, to change her mood, she wanted to put that thought away. What she did to put that thought away? उस विचार को मन से बाहर निकालने के लिए क्या की? She looked out of the window of her car. वो कार की खिड़की से क्या देखती है? बा करती है, बाहर देखी वो। अब यहां पर देखिए what did the poetess notice? What did the poetess notice when she looked out of the window of her car. जब कार की खिड़की से बाहर देखी तो कवित्री क्या क्या देखती? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए दो चीजों को। फर्स्ट यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, जुआ वृक्ष तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे,
और सेकंड, मेरी चिल्ड्रेन वर स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, प्रसन्नचित मुद्रा में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे। अब यहां पर व्हाई द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड स्प्राइंटिंग, जुआ वृक्षों को तेजी से पीछे की ओर भागते हुए क्यों दिखाया गया? व्हाई द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड स्प्राइंटिंग, चुहा वृक्षों को तेजी से पीछे की ओर भागते हुए क्यों दिखाया गया? तो वन मार्क्स में कहें तो टाइम हैज पास्ट वेरी फास्ट। सेकंड जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएटेस brought out the image of Mary children spiling out of their homes. इसको इमेज में क्यों लाती है? ब्रिंग आउट द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। तो द पोएटेस ब्राउट आउट द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन यंग एनर्जेटिक चिल्ड्रेन एंड हर ओल्ड एज मदर विच इंक्रीज्ड और इन्हांस्ड हर पेन। जो रिमेनिंग पार्ट है पोएम का और पूरे पोएम को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।